अहोरानस। लकी, रहने दे, वही गलती दोबारा मत दोहरा। अब ठीक है ना? समझदार है संस्कार। लक्ष्य तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसी हरकत करने की गलती दोबारा ना करना। इस गुस्से से कुछ नहीं होने वाला लक्ष्य, क्योंकि हम नहीं झुकने वाले। झुकना आप लोगों को ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कुछ नहीं कर सकते आप सब। कर सकते हैं रागिनी, हम ये घर छोड़कर जा सकते हैं। माँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सबको ये बेइज्जती और नहीं सहने दूंगा। ये घर, ये पैसे, ये कंपनी तुम्हें मुबारक हो रागिनी। हम यहां से कुछ लेकर नहीं जाने वाले, सिवाय एक चीज जो ना तो तुम हमसे छीन सकती हो और ना ही तुम्हें कभी मिल सकती है। इट्स कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी स्वाभिमान, इज्जत। आई विश तुम में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती। हम सब अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मैडम, इन ब्लर फोटोज को देखकर ये बता पाना कि उस दिन कौन मेरी दुकान से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गया था बहुत मुश्किल है। आपके पास कोई रिसीट भी नहीं है और आप जिस तारीख की बात कर रहे हैं, उस दिन हमारी दुकान से बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गए थे, क्योंकि शादियां थी और हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शादियों में भी जाते हैं। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट मैम, एक्सक्यूज मी। हो सकता है कि वो रिसीप्ट रागिनी के पास हो, पर मैं वो रिसीप्ट ढूंढूंगी कैसे? संस्कार भी मदद नहीं कर रहा है मेरी। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं पता कैसे लगाऊंगी ये सब कुछ। आप सबकी तैयारी, सामान बंद किया सबका? आपको क्या लगता है, ये घर छोड़ के आप सब रह पाएंगे? जिस घर में आपने इतने सालों तक राज किया है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा खाना खाया है,
एसी में सोए हैं उसके बाद आप सब बाहर रह पाएंगे? हम आपको यहाँ से कुछ नहीं लेके जाने देने वाले सिवाय आपके पहने कपड़ों के। तो बताइए आप कौन जाना चाहता है यहाँ से? मैं जाऊंगी। सड़क पे रहना मंजूर है मुझे, लेकिन तुम्हारी जैसी बदतमीज और बेहया लड़की के साथ अब एक छत के नीचे रहना मंजूर नहीं। ये सब कुछ, आलीशान घर, परिवार, ये सब कुछ मेरे पति का बनाया हुआ है। बड़ी मेहनत से और उनकी मेहनत में मैं उनकी भागीदार हूं। गरीबी से डर नहीं लगता मुझे, लेकिन अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। लालची औरत, ये सारे जेवर ले ले, लेकिन एक बात याद रखना, हम सब जा रहे हैं, उसके बाद सोफे से, कालीन से, टेबल से, सबसे अकेले हुक्म चलाती रहना। ना तू पागल हो गई ना, तुम्हारा नाम बदल देना, थारे को पागल खाने तो नहीं भिजवाऊंगी। रहने दो सुजाता, इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। चलो सब। दादी मैं ये सब? कोई बात ना है लाडू, हम अटे आराम से रहेंगे, नौकर जाकर वापस रख लेंगे काम पर, अच्छे से जिंदगी बिताएंगे। नहीं दादी माँ, अगर ये लोग चले गए तो हम अपने मालिकान हक किस पर चुकाएंगे? अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेंगे? लक्ष्य को हमें दर्द पहुंचाने का सबक कैसे सिखाएंगे दादी माँ? और फिर अगर ये सब चले गए और बाहर उन्होंने हमारे नाम की बदनामी कर दी तो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। रुकिए, हट जाओ रागे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो और गलती से मेरे भाई की पत्नी। तो भूल जाओ ना भाई, भूल जाओ। तभी कब से इस धोखे से जुड़े रिश्ते को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। रागिनी, हटो तुम। बस लक्ष्य, रहने दो। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी रागिनी।
रही हो? माँ बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? लाडू क्यों? बताइए माँ आप क्या कर रही थी? चीची कहीं कोई काला जादू वगैरह? माँ आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना कि पापा जी अपनी मर्जी से यहाँ रुकना चाहते हैं, इसलिए आप ये सब कर रही है ना? तू चोरों की तरह हमारे कमरे में कुछ खोज रही थी ना? बताइए माँ आपको क्या चाहिए? वैसे तिजोरी की चाबियाँ? बस बस करो राम जी, चोरी करने नहीं आई हूं मैं। अपने बेटे को देखने आई हूँ। पर लक्ष्य तो वहां सोते हैं। तो फिर हम बस रात माँ के करीब आने की कोशिश भी मत करना। पर तलाशी तो होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हाँ है ना पापा जी? दादी माँ बड़ी माँ, आपने इतनी रात को मुझे फोन करके बुलाया, कुछ मिला क्या आपको? बड़ी माँ ये तो पार्टी के इक्विपमेंट्स का बिल है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच बड़ी माँ। इसे लाने के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ा होगा ना रागिनी ने? कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये मामला जल्द से जल्द सुलझाना है। बस नहीं बड़ी माँ, हम श्योर कुछ मेजर हुआ, अब ठीक नहीं लग रही है। प्लीज मुझे बताइए ना क्या क्या हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारे बड़े पापा हमसे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहे हैं, कोई ऐसी बात जो शायद हमारे पूरे परिवार को तबाह कर देगी। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मन नहीं मान रहा। परिमा, वो सब कुछ सही कर दूंगी। घर में बाकी सब कैसे हैं? संस्कार? दादी माँ। स्वरा, तुम अभी जाओ यहाँ से, किसी ने तुम्हें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, तुम चली जाओ। हाँ परिमा, प्लीज अपना ख्याल रखना। शायद आज जाने से पहले वो किसी भजन मंडली में गाने वाली थी।
सारे क्या कर रहा है और तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया? ताकि तुझे समझा सकूं कि नशे में डूबकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। नहीं संस्कार, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई को बुलाने के लिए भी था। थोड़ी देर के लिए सही, मैं ये तो भूल जाता है कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। मेरी तरफ देख, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है लकी। तू बस इतना याद रख कि जब तू जेल गया था तब माँ की कितनी बुरी हालत हुई थी, और अब तुझे इस हाल में देखकर उन पर क्या बीत रही होगी। दादी माँ, हमने हमारे कुछ पड़ोसियों को भी बुला लिया है, आइए माँ। चीची अभी भी वक्त है, एक बार अपनी कसम वापस ले लो। मुंह तोड़ जवाब दूंगी, कुछ ना होने दूंगी आपके साथ। दादी माँ, हम सोच रहे थे कि काले पाउडर की जगह अगर हम काले पेंट का इस्तेमाल करें तो लाडो, घर की चार दीवारी के भीतर जूते मारने का कोई फायदा ना। बेइज्जती का असली मजा तो चार लोगों के बीच आ गया। और फिर वो भी बना सको ना, वो जो फोन पे तुम लोग बनाते हो। MMM बोलते हैं लाडो, MMS। आपने सही कहा दादी, माँ के चेहरे पर काला रंग लगने के बाद सबको माँ का असली चेहरा दिख जाएगा, और फिर उसका MMS बना के हम समाज में सबको भेजेंगे। हम कैमरे का स्टैंड लेकर आते हैं। कि थारे को नरक में भी जगड़ा मिले। सुजाता जी, तुम तो चुप ही रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, वरना थारी बेटी को लाडो को अपहरण करने के जुर्म में जेल भिजवा दूंगी। समझ में आया? अब देखती हूँ मैं कौन बचा सकता है थारे को। एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे आपसे बात करनी है। मेरा नाम स्वरा है, मैं एक सेकंड पुत्रा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ ना। सरा भाभी, भाभी वो बड़ी माँ। पुत्रा तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, सब ठीक है ना? रागिनी भाभी बड़ी माँ के साथ। वो औरत कहाँ चली गई? भगवान, आइए मैं। रागिनी, हमारी जिज्जी ने थारा केक बिगाड़ा है, तो ऐसी घटिया हरकत क्यों कर रही है? हमारी जिज्जी ने तो कभी तेरा खुश बुरा ना किया है ना। बेइज्जती की है इन्होंने हमारी, हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी दुश्मन स्वरा से मिल रही थी, घर छोड़कर जाना चाहते थे ना आप सब। अब आप सबको अपना असली रूप दिखाना ही होगा। हाँ, ऐसा ना कर। दादी माँ, सुजाता जी बिल्कुल सही कह रही है।
लाडो, मारे मन में एक बात आ रही। क्या काम सुजाता जी से क्यों ना करना है? वैसे भी मुंह फट है, बिना मांगे हर जगह अपनी राय देती रहती है, जहां देखो अपनी टांग अड़ाती रहती है। अपनी जेठानी का मुंह काला करेगी तो कुछ दिन चुप रहेगी। अच्छा आइडिया है दादी माँ। आइए चाची, ये शुभ काम अपने हाथों से ही कर दीजिए। माँ का मुंह आप ही काला कर दीजिए। चाची जी, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। लाडू रुक रुक रुक। याको, अगर समझ ना आ रहा है कि कैसे करना है तो एक बार तू ही मुंह काला करके दिखा दे। अभी भी वक्त है माँ, बता दीजिए आप स्वरा से क्यों मिली थी। हम ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। परिवार के लिए आई और मालकिन जी, मैं घर के अंदर नहीं। सुनो, मैंने आपका कोई रूल नहीं तोड़ा। आप ठीक तो हो ना? मेरे परिवार को गरीब आने की कोशिश भी मत करना लाडो। क्या मिलता है ये सब करके? हाँ, सुकून, खुशी, न्याय। आज हमारी औहदे के वजह से सब हमारी मालकिन की तरह इज्जत करते हैं। बेचारी समझ कर हम पर दया नहीं दिखाते। प्लीज रागी, इज्जत, मालकिन, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता या देखना नहीं चाहती? यहाँ कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सब तुमसे नफरत करते हैं। नफरत, और इतनी नफरत कि अगर इनका बस चले ना तो अभी के अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दें। And I swear, राखी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये लोग तुम्हें धक्के मार इस घर से निकालेंगे। तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा, पर तुम्हारे आंसू बांटने के लिए कोई नहीं होगा तुम्हारे पास।